गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का बज रहे हैं 8, तो इस टाइम से मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और बस अभी रात का जो जूठा बर्तन निकलता है ना फ्रेंड, बस उसी को क्लीन कर रही हूँ। और विम बार ख़त्म हो गया था, लिक्विड विम वो ख़त्म हो गया था, फिर मुझे निरमा लेके आना पड़ा, उससे मैं बर्तन धो रही हूँ। अभी बर्तन फटाफट से धोकर फिर फ्रेश भी होना है, मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ। और सुबह सुबह इतना धूप कड़क वाला, क्या बताऊँ, पूरा एकदम बदन जल रहा है, इतना धूप है। तो चलो मैं ये काम तो कर ही रही हूँ, उसके साथ साथ मेरा जो मनी प्लांट पेड़ पौधे है छोटा सा, उससे भी थोड़ा सा इस टाइम पे धूप दिखा देती हूँ, क्योंकि सुबह का धूप प्लांट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और बस बताइए आप सब कैसे हो, और मैं अच्छी हूँ और आप सबके लिए प्यारे प्यारे वीडियो बना रही हूँ आप सबका ब्लेसिंग के वजह से। और ये देखो मैं ब्रश कर रही हूँ, अभी फ्रेश होकर फिर आपसे मिलती हूँ। ইনকাম সোর্স অন্যদিকে আছে, তাই জন্য বিক্রি করলো। कल रात ना ठीक से मैं सो नहीं पाई, पूरी रात मैं जगी थी। आई डोंट नो क्या स्ट्रेस आ रहा है मेरे, रात को ही आता है, पूरे दिन मेरा निकल जाता है लेकिन रात को ही उल्टा पुल्टा सब कैसा कैसा बातें मैं याद करती हूँ और रात भर सो नहीं पाती हूँ। और कल रात को प्रीति के बारे में बहुत याद आ रहा था मुझे, तो इसीलिए और भी ज़्यादा मैं लोनली फील कर रही थी। फिर अभी देखो घर आके, रूम के अंदर आकर अभी बेड को भी क्लीन कर लिया है। और ये ना बेडशीट कवर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, पता नहीं क्यों, पहले तो ऐसा नहीं होता था, पूरा कवर होता था लेकिन अभी कवर नहीं होता है। तो अभी फटाफट से पूरे घर को झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद चाय बनाने के लिए किचन में जाऊँगी। Skies of a different light, why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. प्लांट को भी धूप दिखाना हो गया है, तो अभी इसको रूम पे इस तरफ विंडो के तरफ रख देती हूँ। अभी मैं चाय चढ़ाया हूँ, सुबह का सभी काम मेरा ख़त्म हो चुका है फ्रेंड। सिप लेते लेते और सुमित के साथ दिन भर का कुछ काम है उस बातें को लेकर थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं। और इस बीच में आपको बता दूं फ्रेंड, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप सबको ज़रूर अच्छा लगेगा। और आप देख रहे हैं ना, ये जो स्टीमर है, स्टीमर को मैं चार्ज पे लगा रही हूँ, ये क्यों आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, कुछ बहुत ही रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके लिए मैं स्टीमर को मैंने चार्ज पे लगाया है, आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और ये देखो मेरा किचन का सिंदूक मैं खोल रही हूँ, इसको खोल कर गैस को ऑन करना पड़ता है मेरा।
फ्रेंड आज ना लंच में बहुत ही इंटरेस्टिंग खाना बना रही हूँ मैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रही हूँ जो बहुत ही सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि मेरा लंच हो चुका है ऑलरेडी, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत ही यमी बना था और मैंने बहुत मन से खाया, सुमित को बहुत पसंद आया। और ये बता दूँ आज दो रेसिपी बन रहा है, वो क्या आपको बाद में बताऊँगी। और ये देखिए मेरा ऑलरेडी खाना भी बन ही गया है बोल सकते हैं। तो चलिए बातों बातों में मेरा आधा खाना का जो रास्ता बोले तो आधा मैंने पूरी कर लिया है, आधा रास्ता बाकी है जो अभी ख़त्म करूँगी। आप ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो के एंड में बहुत कुछ मज़ेदार कुछ होने वाला है जो आपको देखने को मिलेगा अगर आप लास्ट तक वॉच कर लिया तो। तो चलिए मैं खाना तो इधर बन रहा है और बाकी का काम भी मैं कर लेती हूँ। और देखिए मेरा एक सब्ज़ी बन गया है, आप सबसे बात करते करते दूसरा सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। और आज का लंच ना बहुत ही स्पेशल बन रहा है और मेरा फेवरेट है। तो चलो मैं लिया है बोल सके तो। अभी जाऊंगी बेडरूम में, बेडरूम भी थोड़ा सा मेसी होके रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा सही कर लूँगी और घर का पोछा भी लगा लूँगी। और आप सबको पता है मेरा खाना बनने के बाद मैं घर का पोछा लगा लेती हूँ, तो चलिए घर का पोछा लगाने के बाद मैं नहा धोकर आकर आपसे मिलती हूँ जब लंच करूँगी, तब आपको देखना है ना आज क्या खाना बनाया है। तो चलो देखो, ये फ्रेंड रहा एक करी, ये प्रॉन देकर स्नैक्स भी और आलू देकर एक सब्जी, तो आज का ये दो सब्जी बनाया है। Violet skies and countryside, it all comes flooding back to me. चार्ली चैप्लिन हो गया, चार्ली चैप्लिन। किस किस को हेयर और मूछे दाढ़ी सेव करना है, आ जाओ मेरे पास में, मुझे आता है सब। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी 4:30 ओवर हो चुका है, अभी बस बैठी हूँ। सुमित को अभी आज का सेफ बोलते हैं ना, इसका मूछे दाढ़ी सब काट दिया मैंने, क्योंकि पता है वो ना मॉर्निंग किस देते हैं मुझे चिक पर, तो ना उसका दाढ़ी बहुत चुभता है और चुभ चुभ के ना मेरा इधर रेड एकदम स्पॉट हो गया था, दाना दाना रेड हो गया था। तो मैं ना आज इतना गुस्सा गया, नींद पूरी रात तो हुआ नहीं, तो सुबह सो रही थी तो सुबह मुझे गुड मॉर्निंग किस दिया और मुझे बहुत पेन हुआ, तो मैं गुस्से से जो उसका जो इस क्या बोलते हैं ये ट्रिमर बोलते हैं ना, तो इस ट्रिमर को मैंने चार्ज पे लगाया। और मैंने प्लानिंग करके ही थी कि वो जब शाम के वक्त
वो जब काम पे जाएंगे उससे पहले उसका मुझे दाढ़ी सब काट दूंगी मैं, क्योंकि बहुत चुभता है, पूरा रेड रेड ऐसा हो गया था, दाना 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 दाना। तो अब नहीं चुपेगा। और बस अभी वो अभी दुकान जाएंगे, हम लोग यहाँ पर ही छोटा सा मुदीखाना जो शॉप होता है ना उधर जाएंगे, जाकर चीनी और विम लिक्विड जो बर्तन मांजने वाला साबुन होता है, बॉडी में लगाने वाला साबुन, शैम्पू। और मैं ना बहुत दिन हो गया, बहुत दिन बोले तो 2 वीक या 1 वीक हो गया है हेयर शैम्पू नहीं किया मैंने। हेयर वॉश करती हूँ नॉर्मल पानी से, लेकिन ना ऐसे से क्या आटा आटा जैसे हो गया है मेरा, बहुत ऑयली डैंड्रफ है तो इसीलिए। और ज़्यादा पसीना से ना ऑयली डैंड्रफ हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करने से ना, इचिंग करने से नाखूनों में आ जाता है ये देखो, इसीलिए शैम्पू करूँगी, नहाऊँगी फिर से। मेरा सुबह नहाना हो चुका है, फिर अभी शाम के वक्त जो काम काज रहता है ना वो करने के बाद फिर नहाऊँगी, पानी वानी भरना है, पेड़ पौधे में पानी देना है। और सुबह बारिश हुआ था लेकिन फिर भी गर्मी नहीं गया, दोपहर में सो ही नहीं पाई, थोड़ा सा इधर उधर लोट पोट किया, उसके बाद मैं उठ गई। अभी 4:30 तो ओवर हो गया, 4:45 या 4 कितना बजा होगा पता नहीं, 4:45 तो हो ही रहा होगा। तो बस अभी बैठी हूँ, ना आऊँगी, वो दुकान से आ जाए उसको चाय पिला दूँ, वो चाय पी के चले जाए। कि बैग हो जाए चाले डामेर ओपरे, तो वो सो चाय पिला कर वो काम पे चले जाएगा, फिर उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी, क्योंकि वो रहते हुए मैं काम नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए वो चला जाए दुकान, उसके बाद मैं जाती। वो देखो देखो उसका फेस देखो, अब अच्छा लग रहा है ना देखने में, इंसान इंसान लग रहा है। मुझे मूछे दाढ़ी एकदम अच्छा पसंद नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। देखो कैसे खा रहे हैं, अजीब इंसान है, जितना खाते रहेगा उसका पेट नहीं भरता, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना। लग रहा है हैंडसम बॉय, बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त लगता है। गाय क्यों दाढ़ी मुझे काट दिया मैंने बोलो, तुम खाने में चुपता है। हाँ सुबह जब मुझे दिया ना चिक पर गुड मॉर्निंग किस, मुझे इतना जोर से चुभा, मैं तो ठान लिया था इसका आज तो इसको काट करके ही रहूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है बाबू, सच में बहुत मस्त दिख रहे हो। अरे वाह, देखो देखो देखो। चलो बाय, इतना बार बोलूँगी दूध नहीं आज पे जेटा इम्पोर्टेंट गाय का साबुन शैम्पू कंडीशनर सिल्किन साइन तेल। देखो इतना सा मैंने चीजें लाने के लिए बोला, बोल रहे कि तुम तो दुकान उठा के लेके आने के लिए बोल रहे हो। चलो मैं थोड़ा सा इधर बैठती हूँ। और हाँ, आप में से एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि दीदी रेड कलर का प्लाजो पहनकर ब्लॉग करो, तो लीजिए आपका फरमाइश मैंने पूरी कर दिया, मैंने रेड कलर का प्लाजो पहन लिया है, ये देखो रेड कलर का। लाइक कर दो, आपके लिए पहना है मैंने, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। किस तरह से मैंने कैमरे को लेके आया। और एक बात आपके साथ शेयर करना है, आज मुझे ना सुमित एक छोटा सा हंडी लेके दिया है, देखो दिखाती हूँ। ये देखो ये नया खरीद के लेके आया, कितना लिया है 40 रुपीज शायद। दोपहर का झूठा बर्तन है ना उसको चलो क्लीन कर लेती हूँ। ये ना देखने में छोटा है लेकिन बहुत काम का है पता है, थोड़ा बहुत सब्जी बच जाता है ना वो सब्जी को मैं गर्म कर सकती हूँ और बहुत इजीली गर्म हो जाएगा क्योंकि ये सिल्वर का है। Yeah.
बर्तन धो लिया जो दोपहर का जूठा बर्तन रहता है, और देखा ना आपने कितना प्यारा सा छोटू सा हांडी लेके आए हैं। उसमें चाय बना सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, सब्जी छोटा सा थोड़ा सा बच जाता है उसको भी गर्म कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर ना सिल्वर के बर्तन बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। और ये स्टील का ग्लास भी सुमित लेके आए थे, आपको दिखाया था एक ब्लॉग में। मेरा जितना ग्लास है ना फ्रेंड सब कांच का है, तो मैं स्टील का भी कुछ दिनों से कुछ कुछ सामान ले रही हूँ। इसका रीज़न है जब बच्चे लोग आते हैं ना तब कांच के ग्लास में हम पानी देते हैं ना, वो पीते तो बहुत शौक से है लेकिन ठीक ठाक से रख नहीं पाते और टूट जाते, तो इसीलिए मैंने स्टील का भी ग्लास ले लिया है तो बच्चे लोग को पानी पिलाने के लिए। अभी भी काम है मेरा, नाइटी है उसको धोना है। अभी मैं बना रही हूँ नए बर्तन में चाय, आज बना रही हूँ मिल्क टी। और जब भी मिल्क टी बनाती हूँ मेरे मम्मी का बहुत याद आते हैं, तो चलिए आज बनाती हूँ चाय और मेरे मम्मी के नाम आज का चाय आप सबके साथ। तो फ्रेंड और ना इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर डी एंड करूँगी, आपसे फिर मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में। और आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक करके जाइए क्या बोल रही हूँ सॉरी टंग स्लिप हो रहा है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आज का ब्लॉग आप सबने इन्जॉय किया। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।